और मुझे ये कहना है कि ये जो चयन आयोग बना हुआ है, ये नया आयोग गठित हुआ है और इसके पीछे इसके कुछ उद्देश्य हैं, तो इसमें जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे, अभी तो सब कुछ मेरे लिए भी नया है, तो मैं वहाँ पहले जाऊँगी और वहाँ पर चीज़ों को पहले देखूँगी और मेरा मानना कि मैं एक कमेटी बनाऊँगी और कमेटी के माध्यम से पहले समीक्षा करूँगी कि इसके पहले के चयन किस प्रकार से हुए, इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है और सुधार को लेकर के मेरा प्रयास होगा कि मैं एक प्रस्ताव बनाऊंगी और उस प्रस्ताव को मैं अब शासन को भेजूंगी और शासन से मेरे प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाएगी और शासन का जो सुझाव रहेगा तो उसको अमल में लेते हुए मैं उस पर काम करना प्रारंभ करूंगी। लेकिन मेरा फोकस पूरी तरह से यही रहेगा कि किस प्रकार से पारदर्शिता को बनाए रखा जाए, किस कैसे शुचिता को बनाए रखा जाए और जो भी नियुक्तियां होंगी वो बेस्ट सिलेक्शन होंगे वहाँ पे। और इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी कि अभी जो हमारे टीचर्स आएंगे वो वर्तमान समय को देखते हुए वो टेक्निकली, जिसको कहते हैं कि वो फ्रेंडली हो, टेक्निकल ज्ञान उनको हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान हो, तो इस तरह से हम चाहेंगे कि अभी जो हमारे अब शिक्षकों की नियुक्ति हो पूरी तरह से समय के अनुकूल हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक से अधिक विद्यार्थी सजग है, तो जब तक हम बेस्ट का चयन नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाएंगे। तो दो बातें मेरी, एक तो शुचिता को बनाए रखना और दूसरा बेस्ट का सिलेक्शन करना। मैम एक टीचिंग हो गया, टीचिंग भर्ती रुकी है, पीटीसी कई बार शिक्षक जी, होते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए सारी नियुक्तियां ये शिक्षण जगत से ही संबंधित हैं और उसमें भी चूंकि हमारी तो नींव ही है बेसिक शिक्षा, और जब वहीं से हम अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन करेंगे तभी हम अच्छे विद्यार्थी भी दे पाएंगे। तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों को देखते हुए, अपने संस्थाओं की आवश्यकता को देखते हुए हम बेसिक शिक्षा से लेकर के और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। मैम रिटायर ज्यादा लोग हुए हैं, रिटायर ज्यादा हो गए, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, अध्यापक और कर्मचारियों की समस्या से हर संस्थान जूझ रहे हैं, ऐसे में इस समस्या निदान के लिए आप क्या नजरिया है? देखिए मैंने अभी बताया आपको कि अभी चूंकि आयोग नए प्रकार से गठित हुआ है और पहली उसकी अध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, तो मैं पहले से ही बहुत कुछ अभी नहीं कह पाने की स्थिति में हूँ। इतना है कि पहले मैं वहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ और ज्वाइन करने के बाद जब स्थिति का आकलन कर लूंगी तो बेसिक से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की मेरी जो है कमेटी, जो हमारी टीम होगी वो टीम जिस प्रकार से तय करेगी, और सबसे बड़ी चीज की हमारी टीम जो तय करेगी उसको जब तक शासन उसको सहमति या स्वीकृति नहीं देगा हम उसको लागू नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जितने अध्यक्ष थे उनकी कमेटी से दूरी थी, जो भी अध्यक्ष यादव जी नहीं, वो सदस्य दूरी बनी थी, तो क्या उस दूरी का समाज से खत्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि क्योंकि हम किसी विशेष व्यक्ति का चयन इसमें नहीं करेंगे और इसमें यह है कि जितना ही हमारा कम्युनिकेशन होगा चीजें खुल करके सामने रहेंगी, तो हम आमने सामने की स्थिति में बैठ करके ही और लोगों से विचार विमर्श करके ही इस पर कोई योजना बना करके और उसके बाद से एक अमल चल रहा था, कई जो आयोग के मेंबर बना हाई फाइव है, लेकिन उसके कारण वहाँ वेतन कम है, एक बेहतर है उससे कमी आ रहा है। देखिए वेतन पैसा अपनी जगह है और प्रतिष्ठा सम्मान और हमारा हमारा जो देश के भविष्य है, हमारे बच्चे हैं और बच्चों को बनाने वाले हमारे शिक्षक हैं, तो अगर हम वेतन पे ना जा करके हम थोड़ा सा यही करें कि हम कुछ समाज को दे सकें पारदर्शी रूप से, हम अच्छे शिक्षक दे सकें तो जो समाज में सुधार ला सकें, बच्चों में का विकास कर सकें, तो वहाँ वेतन मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जो भी जाएगा इन सब स्थितियों का आकलन करने के बाद ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद से हमें पता चलेगा और निर्णय हमारा बदलेगा, तो ये सब कुछ सोच करके ही हमने भी कदम बढ़ाया है कि पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है और हमारे लिए समाज और देश महत्वपूर्ण है। मैम एक तो आपका अच्छा होगा, आप एक पेपर क्वेश्चन, पहला अध्यक्ष कौन होगा तो आपका नाम आएगा जी, अब बच्चों को एक नंबर जरूर मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इतिहास जब जब लिखा जाएगा तो पहले अध्यक्ष का नाम परीक्षा जरूर पूछा जाएगा, तो आपका पहला नाम आएगा जी। कई आईएएस भी इस लाइन में थे जी, कई बड़े अधिकारी, उनका
उनको पछाड़ के आप नाम जी के इस बारे में यही कहना है कि देखिए किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था या हायर एजुकेशन को जितनी अच्छी तरह से कोई शिक्षक समझ सकता है और उसकी व्यवस्था को, चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, व्यक्तित्व विकास को हो, तो और मैनेजमेंट की भी बात जहां तक है, तो जहां तक एक शिक्षक इस बात को समझ सकता है, मेरे ख्याल से शायद एक आईएएस या प्रशासनिक अधिकारी केवल प्रशासन तो कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो देखने की बात होती है वो शिक्षक बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो जो मुझे ये दायित्व तो मिला है प्रथम अध्यक्ष के रूप में, तो मैं पहले एक शिक्षक ही हूँ, उसके बाद से अध्यक्ष हूँ। तो मेरा पूरा यही प्रयास होगा कि मैं शिक्षकों के साथ, शिक्षण व्यवस्था के साथ न्याय कर सकूं। मैम, जो टीजीटी भर्ती रुकी है, जो टीजीटी पीजीटी भर्ती रुकी 2021 वाली और कुछ शिक्षक भर्तियां, उस पर आप क्या नजरिया, क्या भर्ती कब तक हो? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये प्राथमिकता में है, क्योंकि अभी तक जितना भी विलंब हुआ, मेरे हिसाब से शासन का भी यही प्रयास है कि जल्दी से, अभी देखिए पिछले सप्ताह ही इसके साक्षात्कार हुए और 5-6 दिन में ही रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि यह है कि शासन की भी मंशा है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। तो वहां जाने के बाद मेरी तुरंत की प्राथमिकता होगी कि जो इस तरह के कार्य रुके हुए हैं उनको प्रारंभ कर दिया जाए। अच्छा मैम, ये भी देखा जाता है कुछ शिक्षक दोस्त की तरह पेश नहीं आते स्टूडेंट, उस पर क्या करना चाहिए? दोस्त की तरह जी, देखिए शिक्षक जो है अंदर से तो दोस्त की तरह होता है, लेकिन ऊपर से उसे एक अनुशासनात्मक व्यवस्था भी प्रदर्शित करनी होती है, क्योंकि शिक्षकों के हाथ में ही अनुशासन है। अगर हम सबसे दोस्त की तरह से बात करने लगेंगे तो बच्चों में भी अनुशासन नहीं रहेगा और हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षक और विद्यार्थी में एक